हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। ये मुस्लिम स्टाइल बिरयानी है जो आमतौर पर दावतों पर या शादी में खाई जाती है। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन इस्तेमाल किया है। चिकन के मैंने मीडियम पीसेस करवाए हैं। इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 7 से 8 हरी मिर्चें, जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, उसको मैंने साथ में ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी ऐड करके, और वो मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। इसके अलावा आधे नींबू का रस, तो मीडियम साइज़ का नींबू लिया था मैंने, उसका जूस हम निकाल के ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे चिकन के हिसाब से। हरा धनिया चॉप करके मुट्ठी भर के ऐड किया है, और मुट्ठी भर पुदीना ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने गरम मसाला ऐड किया है सुहाना का, और 1 टीस्पून मैंने काट कर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 2 तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, बादियान, और मैंने एक छोटा सा जावित्री लिया था। 150 ग्राम दही, एक छोटी प्याली आप ऐड कर सकते हैं। केवरा एसेंस ऑप्शनल है, लेकिन इससे बिल्कुल शादियों वाली बिरयानी का टेस्ट आता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने कुछ बूंदें ऐड की हैं। फूड कलर तो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने 2 से 3 बूंद ऐड किया था। और प्याज मैंने ऐड किया है। कई लोगों ने कहा था मुझसे कि मसाला बहुत कम हो जा रहा है बिरयानी में, तो मीज़ान ये होना चाहिए कि 500 ग्राम चिकन 500 ग्राम चावल है, तो जो प्याज है तला हुआ वो कम से कम 350 ग्राम होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मसाला चाहिए तो आपने आधा किलो चावल के लिए आधा किलो ही प्याज इस्तेमाल करना है, और फिर आप उसका बिरिस्ता बना लें। बस अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको कवर करके कम से कम 1 घंटा मैरिनेट कर लें। अब यहाँ देखिए, दूसरी तरफ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था चावल के लिए, ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। खुला पानी लें, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के देसी घी ऐड किया है। देसी घी से बहुत मॉइस्ट बनते हैं, वैसे आप चाहें तो ऑयल ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद मैंने केवरा एसेंस ऐड किया है, इससे खुशबू अच्छी आती है। और फीकी वाली हरी मिर्चें 4 से 5 चीरा लगा के ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये जो नींबू मैंने मैरिनेशन में यूज़ किया था चिकन के लिए, वही नींबू का छिलटा मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और 2 तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची, बादियान, और 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का ऐड किया है। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जा रहा था, तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर लिया है। चावल मैंने दावत का बिरयानी राइस इस्तेमाल किया, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन होता है। उसको आपने पहले ही 1 घंटा भिगो लेना है, उसके बाद ही आपने ऐड करना है। जब वो अच्छे से सोख होगा तो बहुत अच्छे से वो कुक भी होता है। इसको एक बॉईल आने का वेट करते हैं। यहाँ देखिए, ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। नमक मैंने ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने इस स्टेज पर अभी ऐड किया था, तो आप नमक ऐड करना ना भूलें। नमक इतना ऐड कीजिएगा कि पानी में नमक का मिजान सही होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर 70% कुक हो गया है। पानी हम ड्रेन कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया 1 पाव कप के आसपास, और चिकन ऐड कर लिया जो मैंने मैरिनेट किया था 1 घंटा। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको मसाला ज़्यादा चाहिए तो 1 टमाटर ग्राइंड करके आप ऐड कर सकते हैं या चॉप करके। ये देखिए, इसमें बॉईल आ गया था। कवर करके 2 विसल लगाया था और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट सिमर कर लें, जब तक चिकन अच्छी तरह गल नहीं जाता है। यहाँ देखिए, प्रेशर उसका जा चुका है, तो मैं यहाँ पर खोल के चेक कर रही हूँ उसे, और ऑयल ऊपर सरफेस आउट हो गया है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह से नान कोरमे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारा प्याज ऐड कर लिया है तला हुआ, और हरा धनिया, पुदीना, पुदीने का फ्लेवर बिरयानी में बहुत अच्छा आता है। चावल पे से मैंने जो नींबू ऐड किया था वो हटा लिया है, और चावल बिछा लिए हैं। गार्निश कर लेंगे तला हुआ प्याज और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। आपको पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। और इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया है, सुहाना का रेडीमेड, और आप कोई भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून देसी घी, ताकि चावल नरम रहे, और थोड़ा सा चावलों का पानी ही आप ऐड कर लें, ताकि नीचे लगे नहीं। बंद कर लें कुकर को, और 1 विसल आने के पहले ही आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। तो बस ये देखिए, ठंडा हो गया था ये, तो मैंने खोल लिया है।
बहुत अच्छे से बिरयानी दम गई है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं पहले, ये देखिए, तो सर्व कर लेंगे इसे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार हुई थी। ईद के लिए, दावत के लिए, इफ्तार पार्टी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी बनके तैयार होती है। रेसिपी भी बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा झंझट हमने नहीं किया है इसमें। चावल अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।